choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक थंडरबोल्ट्स। तो अब तक कहानी में आपने देखा मेयर विल्सन फिस्क अपनी नई थंडरबोल्ट्स टीम के लिए कुछ खतरनाक विलन्स को इकट्ठा करता है, जिनमें है स्टार, टास्क मास्टर, मिस्टर फियर और बार्टोक। इनका मिशन है अर्थ को नल से बचाना और अमीर हो जाना या फिर लड़ते हुए मारे जाना। हाल ही में ये टीम रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के अंदर नॉर्मन ऑसबोर्न के पास आई, तो नॉर्मन ने टास्क मास्टर के साथ अपना प्लान शेयर किया, लेकिन इस मीटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि सिम्बियोट्स उस जेल के ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए थंडरबोल्ट्स की टीम को वहां से भागना पड़ जाता है। नॉर्मन का प्लान थंडरबोल्ट्स की टीम को जोन्स बीच तक ले आया, जहां उन्हें उनका सीक्रेट वेपन मिलता है, द सेंट्री। बस दिक्कत ये है कि उन्हें अभी इसकी सिर्फ आधी बॉडी मिली है। बीच के ऊपर ये टीम बैठकर आपस में चुटकुले कह रही है। मिस्टर फियर बोलता है, मैं बोर हो रहा हूं, मेरे पास $5,000 है, मैं शर्त लगाता हूं वो नहीं ढूंढ पाएगी। टास्क मास्टर ने कहा, बिल्कुल ढूंढ लेगी, और द लीपर को भी लगता है कि ढूंढ लेगी। तभी स्टार सेंट्री की दूसरी आधी बॉडी के साथ पानी से बाहर निकली। वो कहती है, मुझे आज तक इतना घिनौना काम करने के लिए किसी ने नहीं कहा। खैर, मिस्टर फियर अपनी शर्त हार चुका है। वो बोलता है, यकीन नहीं हो रहा कि हम उस आदमी के साथ लड़ने जा रहे हैं जिसने सेंट्री तक का ये हाल कर दिया। द सेंट्री, द लीपर बोलता है, और हमारा इकलौता प्लान उस फिल्म जैसा है। टास्क मास्टर ने कहा, हम उसे एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, नचाकर नहीं देखने वाले। द लीपर कहता है, अरे वो तो फिल्म का दूसरा पार्ट था, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। मिस्टर फियर बोलते हैं, विल्सन फिस्क ने हमें ये सब करने के लिए इकट्ठा किया था। ये पूरी टीम तो मुझे एक सुसाइड टीम की तरह लग रही है, जबकि स्टार इस बात के ऊपर फोकस करना चाहती है कि उसे सेंट्री की बॉडी को लाने के लिए इतनी गंदगी में से गुजरना पड़ा। फिर ये लोग बस में बैठकर शहर के बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। स्टार पूछती है, क्या तुम्हें सेंट्री की बॉडी को बांधने के बाद इसके ऊपर बेल्ट लगानी जरूरी थी? मिस्टर फियर ने कहा, तुम्हें ये बहुत ज्यादा लग रहा है, वैसे भी ये एक चादर पहने हुए है। तभी एक आदमी ने टास्क मास्टर के मना करने के बावजूद भी एक सवाल पूछा, अब जब हमारे पास एक कारण की वजह से सेंट्री की लाश आ चुकी है, तो मैं ये सोच रहा था कि हम उसी शहर की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं जहाँ से हम मरते मरते बाहर निकले हैं। टास्क मास्टर ने कहा, ये एक अच्छा सवाल है, तुम खुद आंखें खोलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या तुम्हें आसमान में तैरता हुआ वो बड़ा गोला दिखाई दे रहा है? वो नल का घर है, हम इसे उड़ाने वाले हैं, अब चुपचाप जाकर बैठ जाओ। लीपर पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? स्टार ने कहा, मिड टाउन की तरफ, लेकिन हम ब्रुकलिन ब्रिज से होते हुए जाएंगे। लीपर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनके रास्ते में बहुत सारे सिम्बियोट्स आने लगे हैं, उनसे टकराने की वजह से ये बस खराब हो चुकी है। टास्क मास्टर बोलता है, ठीक है थंडरबोल्ट्स, हमें बाकी रास्ते पैदल चलकर जाना होगा। मिस्टर फियर ने कहा, हमारे टुकड़े हो जाएंगे। टास्क मास्टर बोलता है, हम तेजी से जाएंगे। मिस्टर फियर ने कहा, तो सेंट्री की बॉडी को कौन लेकर जाएगा? ये हमारी स्पीड स्लो कर सकता है। फिर स्टार पूछती है, बाकी कैदियों का क्या होगा, जिन लोगों को हमने बचाया था? टास्क मास्टर ने कहा, वो बस पे रुक सकते हैं। स्टार कहती है कि वो मारे जाएंगे। टास्क मास्टर कहता है कि वो वैसे भी मारे ही जाएंगे, कम से कम हम उन्हें बीच पे घुमाने ले गए। स्टार ने कहा, और जहाँ तुमने इनको बस से उतरने ही नहीं दिया, तुम्हें मेरे हाथ खुले करने होंगे। द लीपर और मिस्टर फियर अगर धीरे धीरे चलेंगे वो किसी काम के नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम सेंट्री की बॉडी को खुद उठाकर नहीं ले जाना चाहते, तो मुझे मदद करने दो, इन्हें लड़ने का एक मौका दो, जैसे कि बाकी हम सब भी लड़ रहे हैं। तो टास्क मास्टर इन्हें लड़ने का एक मौका देता है। वो फिगमेंट, फुट किलर, मैन बुल, मिस्टर हाइड और ग्रिजली को थंडरबोल्ट्स की टीम में मिला लेता है। मिस्टर हाइड ने कहा कि वो पहले भी थंडरबोल्ट की टीम का मेंबर रह चुका है। फुट किलर पूछता है, क्या हो अगर मैं एक थंडरबोल्ट ना बनना चाहता हूँ? मिस्टर फियर ने कहा, तुमसे पहले जिसने ऐसा बोला था हमने उसे 2 बार मारा। स्टार कह रही है, तुम्हें पता है ना कि हम मैनहट्टन तक नहीं पहुंच पाएंगे। टास्क मास्टर ने कहा, और तुम्हें पता है ना कि जहां हम मारे गए वहां से तुम्हें सेंट्री की बॉडी को उड़ाकर ले जाना होगा। तो स्टार बोलती है, हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में सिम्बियोट्स फुट किलर के ऊपर हमला कर देते हैं। टास्क मास्टर बोलता है, मैं जाकर उसे बचाता हूँ, तुम लोग चलते रहो, किसी भी चीज के लिए मत रुकना। गाइस, टास्क मास्टर ने कोशिश की लेकिन वो लेट हो चुका था। वेल डैम, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हम वापस नहीं जा रहे। तभी पीछे से एक सिम्बियोट ने उसके ऊपर अटैक किया। वो बोलता है, मैं मान रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस खाल के नीचे तुम एक इंसान होगे, मुझे माफ कर देना। तभी सिम्बियोट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक के साथ 10-10 लड़ रहे हो, मुझे पता था
वैनम बनना इतना आसान नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाए। लेकिन तभी टास्क मास्टर को बचा लिया जाता है। ये स्टार थी। टास्क मास्टर ने कहा, तुम्हें मेरे पीछे वापस नहीं आना चाहिए था। तो मिस्टर फियर बोलता है, मैं नहीं आना चाहता था। स्टार ने कहा, हम थंडरबोल्ट्स हैं। लेकिन फिर सिम्बियोट्स काफी संख्या में इन्हें घेर लेते हैं। स्टार ने हर किसी को नीचे झुकने के लिए बोला और अपनी काफी सारी ताकत का इस्तेमाल करके सिम्बियोट्स का सफाया कर डाला। वेल, वह इसमें काफी थक भी जाती है। द लीपर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। स्टार ने कहा, मुझे भी नहीं पता था। टास्क मास्टर कहता है, वेल, अब उनका ध्यान हमारे ऊपर आ गया है, हमें चलना चाहिए। स्टार, तुम अपने आप को संभाल सकती हो? स्टार ने कहा, कुछ दिन के बाद मैं पहले जैसी ठीक हो जाऊंगी। तो टास्क मास्टर ताना मारते हुए बोलता है, और हमारे सबसे ताकतवर मेंबर का इस तरीके से बेहोश हो जाना मजाकिया है। स्टार पूछती है, मुझे एक बार फिर से बताना कि हमारा प्लान कैसे काम करेगा। टास्क मास्टर ने कहा, वेल, कहते हैं कि सेंट्री के पास हजारों सूरज की ताकत है। स्टार बोलती है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये बात बकवास है। टास्क मास्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन ओजमोन ने कहा था कि वो एनर्जी अब भी इसकी बॉडी में ही है और इसे हम रोशनी की तरह मान सकते हैं। तुम अपनी पावर का यूज करके इसे ब्लास्ट कर सकती हो और इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा, लेकिन शायद नल मारा जाए। मिस्टर फियर पूछता है, अगर सेंट्री के पास नल को मारने की ताकत है तो उसने मारा क्यों नहीं अब तक? टास्क मास्टर ने कहा, शायद इसीलिए क्योंकि इसके लिए उसको अपनी बॉडी को फोड़ना पड़ता और मुझे लगता है कि सेंट्री इसके लिए तैयार नहीं था। स्टार पूछती है, तुम ओजबोन के ऊपर यकीन करते हो? टास्क मास्टर ने कहा, ओ बिल्कुल नहीं, वह एक पक्का पागल है, लेकिन वह एक बार एक सिम्बियोट का इस्तेमाल भी कर चुका है और अब भी इस प्लांट के कुछ बेहतरीन साइंटिफिक दिमागों में से एक है। स्टार बोलती है, अपने आप को गोब्लिन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। तभी मिस्टर हाइड ने पुल की तरफ इशारा किया, हम इस पुल को पार नहीं कर पाएंगे, हमें वापिस जाकर दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। टास्क मास्टर स्टार से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाओगी? स्टार ने कहा, अगर मैं अपने साथ सेंट्री को लेकर भी नहीं जाती हूँ तब भी ये ड्रैगन्स मुझे वहाँ पहुँचने से पहले ही बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। तब टास्क मास्टर ने वहाँ एक टावर का दरवाजा तोड़ा, थंडरबोल्ट्स अंदर जाओ, स्टार की टावर की छत तक पहुँचने में मदद करो। स्टार पूछती है, तुम नहीं आ रहे? टास्क मास्टर ने कहा, किसी को तो यहाँ नीचे रुककर इन सिम्बियोट्स को ऊपर पहुँचने से रोकने की कोशिश करनी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल लूंगा, गुड लक थंडरबोल्ट्स। लेकिन उनके जाने के बाद टास्क मास्टर तेजी से छिप जाता है। माफ करना लेडी, मैं किस्मत के ऊपर यकीन नहीं करता। फिर उसने अपना नकली मास्क उतारा, मेयर विल्सन फिस्क को कॉल लगाया, क्या मेरे लिए कुछ अच्छी खबर है? वो इसे अभी करने वाले हैं, मैं बाहर आ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ अच्छी खबर है? तुम्हारे अकाउंट में पैसा पहुँच चुका है और मैं यकीन करता हूँ कि इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। हाँ, जब तक अकाउंट में पैसा रहेगा मुलाकात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे तुम्हें एक नया ब्रिज बनवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम कर जाएगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर इसके बाद कोई नल को मार देता है तो मैं दुनिया को ये दिखा पाऊंगा कि मैंने भी कोशिश की थी। ये तो मसली बहादुरी दिखा रहे हो, इतना उदास मत हो टास्क मास्टर, मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हारे लिए शहीदों का इंतजाम कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए पैसे का, बाकी सबकी चिंता मत करो, ठीक है? टावर के ऊपर मिस्टर फियर हाफते हुए कह रहे हैं, ये तो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, अगली बार से लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। इनके पीछे पीछे सिम्बियोट्स भी ऊपर तक आने लगे। मिस्टर हेड कहता है, तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तब उन्होंने सेंट्री की बॉडी को स्टार की बॉडी से बांध दिया। स्टार कह रही है, वापस आने के बाद मुझे याद दिलाना कि टास्क मास्टर ने इन सिम्बियोट्स को रोकने के लिए बोला था, भाग गया साला। तो मिस्टर फियर ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि सिम्बियोट्स ने उसे हरा दिया होगा, मैं होता तो अब तक हार चुका होता। तो स्टार नल के घर की तरफ बढ़ने लगी, सिम्बियोट ड्रैगन्स उसका पीछा करने लगे। मिस्टर फियर पूछता है, क्या हमारे पास एक ऐसा प्लान भी था कि हम नीचे कैसे पहुंचेंगे? तभी उनमें से एक सिम्बियोट मिस्टर फियर के ऊपर हमला कर ही देता है कि टास्क मास्टर वहां आ पहुंचा। उसने मिस्टर फियर को बचा लिया। वो सीढ़ियों से बाहर निकलता है और कहता है, स्टार को रोको। मिस्टर फियर ने कहा, वो तो चली गई, अगर वो नल के पास पहुंच सके तो विस्फोट कर देगी। तो टास्क मास्टर कहता है कि इसमें वो खुद भी मारी जाएगी और हम सब भी, ये बात किसी को पसंद नहीं आती। द लीपर गालियां बकते हुए आगे बढ़ता है। उसने बाकियों से मिस्टर हाइड को कसके पकड़ने के लिए बोला, फिर तेजी से भागा और कूद कर स्टार को पकड़ने की कोशिश की। इधर विल्सन फिस्क की असिस्टेंट मैरी कह रही है, आपको अंदर चलना चाहिए मिस्टर फिस्क। फिस्क पूछता है, तुम्हें पटाखे पसंद नहीं है क्या? मैरी ने कहा, मुझे वो तब पसंद है जब वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय ना कर दें और जब इस शहर में इतने खूंखार एलियंस ना घूम रहे हों। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मैरी ने कहा, वो स्फीयर, वो अब भी वहीं पे है। फिस्क बोलता है, कोई बात नहीं, ऐसा होना ही था,
मुझे जाकर वीडियो बना लेना चाहिए इससे पहले कि एवेंजर्स नल को मारने का सारा क्रेडिट ले लें। मैरी ने कहा, लेकिन नल तो मरा ही नहीं। फिस्क बोलता है, वो जल्दी मारा जाएगा, विलन्स हमेशा ही मारे जाते हैं। विल्सन फिस्क वीडियो बना रहे हैं, द थंडरबोल्ट्स मर चुके हैं, लेकिन उन्हें एक हीरो की तरह याद किया जाएगा। लेकिन तब थंडरबोल्ट्स की टीम सेंट्री की बॉडी के साथ वहां आ पहुंची। मिस्टर फियर ने स्क्रीन की तरफ देखा, हे, तुम्हें मेरी पिक्चर कहां से मिली? एक मिनट, तुमने क्या कहा कि हम सब मर चुके हैं? क्योंकि हम तो नहीं मरे। वेल, ये दोनों मर गए लेकिन हम नहीं मरे। फिस्क नाटक करते हुए बोलता है, थंडरबोल्ट्स तुम मरे नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। स्टार ने कहा, सच में? क्योंकि तुमने हमें एक सुसाइड मिशन पे भेजा था। फिस्क ने कहा, फिर भी तुम जिंदा बच गए। जैसे कि मुझे पता था कि तुम बच जाओगे, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ तुम अब तक मरे क्यों नहीं? तो टास्क मास्टर उसकी मुलाकात फिगमेंट से करवाता है, जो एक बहुत बड़े लेवल पे इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। विल्सन फिस्क बोलता है, अच्छा तो यहाँ पे फिगमेंट भी है और सेंट्री की मरी हुई बॉडी भी है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने असल में कोई धमाका नहीं करवाया। मिस्टर फियर ने कहा, नहीं करवाया, लेकिन दुनिया को ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो तुम्हारी तरह ही बेवकूफ है, और तुम्हें एक नया ब्रिज भी नहीं बनवाना पड़ेगा। फिस्क ने पूछा, तो तुमने मुझे धोखा दिया? टास्कमास्टर कहता है, मैंने अपनी टीम को लीड किया। फिस्क पूछता है, तो आप क्या मुझसे बदला लोगे, मुझे मार डालोगे? तो लीपर ने कहा, हमें पैसा चाहिए। फिस्क बोलता है, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ठीक है, जितने पैसे की बात हुई थी वो तुम सबके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा, और ऊपर से बोनस $50,000 भी। इसके बाद मैं तुम में से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। टास्कमास्टर ने कहा, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये तो हमारी बस पहले हफ्ते की सैलरी है। अगर हम ये मान लें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर रियल हीरोज इस वर्ल्ड को बचा लेंगे, तो अगले हफ्ते से थंडरबोल्ट्स फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं, और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, क्योंकि सेंट्री के फिर से जिंदा होने के चांसेस अब भी बाकी हैं।